हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुरातलैंड टेक। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आउटपुट इन सी प्लस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे कि आउटपुट जो होती है सी प्लस प्लस में, हम उसको किस तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ आउटपुट। आउटपुट क्या चीज़ होती है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज़ नोन एज आउटपुट। जब वो प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर से कुछ गेट कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि आउटपुट है ये। आउटपुट इज़ मोस्टली डिस्प्ले ऑन मॉनिटर। आउटपुट जो होती है वो मोस्टली मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है। सिंटैक्स फॉर आउटपुट, सबसे पहले हम राइट करते हैं सी आउट स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर, फिर इंसर्शन ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, नेक्स्ट हम वेरिएबल कॉन्स्टेंट या एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। तो ये सिंटैक्स होता है आउटपुट के लिए। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, हमने लिखा सी आउट एक्सर्शन ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट है डबल कोट्स के अंदर, जब भी हमने स्क्रीन पे कुछ भी एज इट इज़ प्रिंट करवाना होता है तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। तो हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना था हेलो वर्ल्ड, तो हमने डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड को लिख दिया और लास्ट पे हमने सेमी कॉलन को ऐड कर दिया। ये सिंटैक्स में है, जब हम सेमी कॉलन नहीं ऐड करते सी प्लस प्लस के अंदर तो एरर जनरेट होता है। तो सी आउट हेलो वर्ल्ड, ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है सी आउट माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। मैंने डिस्प्ले करवाना था स्क्रीन पे माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, तो डबल कोट्स के अंदर सी आउट के स्टेटमेंट में माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम को राइट कर दिया। नेक्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज एंड वैल्यू ऑफ इंटीजर एंड कैरेक्टर वेरिएबल। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि मैसेज को डिस्प्ले करे और जो भी वैल्यू इंटीजर के अंदर पड़ी है और कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर पड़ी है उसको डिस्प्ले करे। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज फाइल को ऐड कर देना है जो नेसेसरी है हर प्रोग्राम के लिए। हम उन लाइंस को लिखेंगे हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी फिर मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर हम सारा कोड ऐड करेंगे। इंट एन इज इक्वल्स टू 10, हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जिसके अंदर वैल्यू स्टोर की 10। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप का, यानी सी एच। सी एच जो है इसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर, उसके अंदर एक स्टेरिक जो है हमने स्टोर करवाया। ये कैरेक्टर है तो हम इसलिए इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अब हम इसके बाद जो है सी आउट टेस्टिंग आउटपुट। सी आउट टेस्टिंग हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना था कि हम आउटपुट को टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सी आउट, अब हमने एन के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले करवाना है और सी एच यानी जिसके डेटा टाइप कैरेक्टर है उसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो उसको हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे? सी आउट। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट हमने डबल कोट्स के अंदर एन इक्वल्स टू, क्योंकि मैं एज इट इज़ स्क्रीन पर चाहती हूँ कि एन इक्वल्स टू लिखा है और आगे उसकी वैल्यू, तो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आएगा एन इक्वल्स टू, एन के अंदर जो भी पड़ा है वो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है सी आउट इंसर्शन ऑपरेशन के अंदर लिखा है मैंने कैरेक्टर इक्वल्स टू फिर इंसर्शन ऑपरेशन और सी एच। अब मैंने सी एच विदाउट डबल कोट इसलिए लिखा है ताकि इसकी वैल्यू गेट होके आ सके। तो अब हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम को वीएल स्टूडियो के अंदर राइट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच नेक्स्ट यूजिंग नेम स्पेस नेक्स्ट है वर्ल्ड मेन यानी मेन फंक्शन इसकी ब्रैकेट ओपन और क्लोज। यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर देते हैं मेन फंक्शन बॉडी एंड। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं इंट एन इक्वल्स टू 10। एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर की 10। नेक्स्ट है कैरेक्टर टाइप का एक हम वेरिएबल बना लेते हैं नेक्स्ट लाइन पे जिसकी डाटा टाइप
चार है यानी कैरेक्टर है, वेरिएबल का नेम ch रख देते हैं और इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं सिंगल कोट्स के अंदर, हम इसमें स्टैटिक स्टोर कर देते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन। अब हमने दो वेरिएबल बना लिए, अब नेक्स्ट है हम एक सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पे, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट है हम लिख देते हैं टेस्टिंग आउटपुट, हम टेस्ट कर रहे हैं आउटपुट को, ठीक है, हम ये लिख देते हैं। नेक्स्ट अब हमने एन के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट करवाना है और जो सी एच के अंदर वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट करवाना है, तो सी आउट की स्टेटमेंट को यूज़ करूँगी, सी आउट एन सेमी कॉलम और सी आउट सी एच में जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले करवा दो, और लास्ट पे सिस्टम पॉज मतलब स्क्रीन को थोड़ी देर पॉज करने के लिए। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं एंड एल भी लिख देती हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू प्रिंट हो, और इनके साथ भी एंड एल लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, F5 प्रेस करेंगे, यस डिबग करेंगे इसको। अब देखें स्क्रीन पे सबसे पहले आउटपुट में डिस्प्ले हो गया, सबसे पहले हमने लिखा था टेस्टिंग आउटपुट, तो यहाँ सबसे पहले क्या डिस्प्ले हो रहा है, टेस्टिंग आउटपुट। फिर हमने क्या सी आउट कराया था, सी आउट फिर एन, एन में जो भी वैल्यू पड़ी है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इसके अंदर 10 स्टोर था तो वो डिस्प्ले हो गया। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है मीन स्टैटिक स्टोर हुई, स्टैटिक स्टोर थी तो वैल्यू स्टैटिक थी तो वो शो हो गई स्क्रीन पे। जब हम फिर नेक्स्ट आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई भी की हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो स्क्रीन गायब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट ऐड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड शो द सम ऑन स्क्रीन, कि हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेने हैं और हमने उन दोनों नंबर्स को प्लस करना है और जो आंसर आएगा यानी सम जो आएगा उनका वो डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमी कॉलन, उसके बाद मेन फंक्शन बनाएंगे वाइड मेन पैरेंथेसिस और मेन फंक्शन की बॉडी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हमने फ्लोट यानी डाटा टाइप लिखी, क्योंकि हमें फ्लोट के फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज चाहिए तो हमने डाटा टाइप भी फ्लोट सेलेक्ट की। फिर हमने तीन वेरिएबल बनाए, वेरिएबल वन यानी वार वन, वेरिएबल वार टू वार थ्री के नाम से हमने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, अभी हमने इनको इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियलाइजेशन में हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। अब हम वैल्यू असाइन करते हैं, हमने वार वन इक्वल्स टू 24.57, ये प्रोसेस जो है ये इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है, हम वैल्यू असाइन किए हैं। 24.57 जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी वार वन के अंदर। इसी तरह वेरिएबल टू के अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर किया है 41.50 है। नेक्स्ट अब हमने इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा वो हमने एक और वेरिएबल में यानी किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराना है जिसका नेम है वार थ्री। वार थ्री इक्वल्स टू वार वन प्लस वार टू, यानी वार वन के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो प्लस वार टू के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, इन दोनों को आपस में प्लस करो, जो भी आंसर आए वो वेरिएबल थ्री के अंदर पेस्ट कर दो यानी उसके अंदर रख दो। फिर सी आउट बार वन इंसर्शन ऑपरेटर, फिर बार वन लिखा, बार वन का क्या मतलब, हमने इसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो विदाउट डबल कोट लिखा। अब प्लस मैं लिखवाना चाह रही हूँ स्क्रीन पे, तो अब मैं
इसको डबल कोट्स के अंदर लिखूंगी। दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, डबल कोट्स के अंदर प्लस लिखा, उसके बाद दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर, फिर बार टू की वैल्यू, फिर मुझे इक्वल साइन चाहिए था स्क्रीन के ऊपर, उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा, और फिर जो सम आया था वो वेरिएबल थ्री के अंदर स्टोर था तो मैंने उसको राइट कर दिया, और सेमी कॉलन और फिर मेन फंक्शन की बॉडी एंड वो भी। तो चले अब हम इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे रिजल्ट आते हैं। अच्छा तो अब हमने इस वही पहले हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम लिखा यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी वर्ड मेन मेन फंक्शन के अंदर। अब हमने फ्लोट टाइप के वेरिएबल बनाने हैं, फ्लोट वार वन कोमा वार टू वार थ्री। अब मैं इसको अलग अलग लाइन पे भी डिक्लेयर कर सकती थी, फ्लोट वार वन फिर सेमी कॉलन फ्लोट वार टू फ्लोट वार थ्री, लेकिन लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो जाता। मैंने लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए तीन वेरिएबल को एक ही लाइन पे डिक्लेयर किया क्योंकि इनकी डाटा टाइप सेम थी और इनको कोमा से सेपरेट कर दिया। अब मैं इसको वैल्यू असाइन करती हूँ, वार वन इक्वल्स टू 24.57, वार टू इक्वल्स टू 41.50। अब इन दोनों का रिजल्ट किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर यानी वार थ्री के अंदर स्टोर करवाते हैं। अब वार वन में जो वैल्यू पड़ी है उसको प्लस करो वार टू के साथ, ठीक है, और सेमी कॉलन। अब सी आउट वार वन, अब मुझे प्लस का साइन चाहिए तो मैं डबल कोट्स के अंदर प्लस लिखूंगी, फिर वार टू, फिर इक्वल साइन चाहिए तो डबल कोट्स के अंदर, फिर वार थ्री के अंदर रिजल्ट स्टोर है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, F5 प्रेस करेंगे, यस हम बिल्ड करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो अब स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि 24.75, 24.75 जो थी वो वैल्यू थी वार वन की, इसलिए हमने सी आउट में लिखा था वार वन, डबल कोट्स के बगैर लिखा था क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। अगर वार वन हमें चाहिए होता, अगर हमने यहाँ पे लिखना होता वार वन, तो हम इसको डबल कोट्स के अंदर लिखते तो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता। प्लस वार टू, प्लस लिखा हुआ है, फिर वार टू के अंदर जो वैल्यू थी वो आ गई हमारे पास 41.5। नेक्स्ट है, अब इक्वल साइन चाहिए था, अब इक्वल साइन मुझे चाहिए था तो इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा। अब नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करके जो रिजल्ट आया था वो वेरिएबल थ्री के अंदर स्टोर था, तो मैंने वेरिएबल थ्री का नेम लिख दिया यानी वार थ्री, तो ये मुझे रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैं चाहती हूँ सी आउट जो इस तरह से शो हो, वेरिएबल वन टू इक्वल्स टू यहाँ पे वार थ्री लिख देते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कर देते हैं एंड एन। अब इसको रन करके देखते हैं, देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले वाली सी आउट की लाइन में और सेकंड वाली सी आउट की लाइन में डिफरेंस है। पहले वाले में हम वैल्यू गेट कर रहे थे जो इन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही थी, लेकिन सेकंड लाइन में हमने डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल वन लिखा प्लस वेरिएबल टू इक्वल्स टू, और फिर जस्ट हमने वेरिएबल थ्री की वैल्यू गेट कर ली। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विड्थ। हमने कैलकुलेट करना है और प्रिंट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखा यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी वाइड मेन
उसके बाद हमने ब्रैकेट को हाइट, हमने हाइट एक वेरिएबल लिया, विड्थ के नाम से एक वेरिएबल बनाया और एरिया के नाम से। तीनों की डाटा टाइप सेम थी तो इसलिए मैंने इनको एक ही कॉमा से सेपरेट करके एक ही लाइन में राइट कर दिया। अब हाइट को असाइन किया 5, विड्थ को असाइन किया 4। दोनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई। अब मैंने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला है एरिया इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, यानी जो हाइट में वैल्यू पड़ी है वेरिएबल के अंदर, हाइट वेरिएबल के अंदर उसको मल्टीप्लाई करो विड्थ वेरिएबल की वैल्यू से, और फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, एरिया वेरिएबल के अंदर। सी आउट। अब मैं स्क्रीन पे चाह रही हूँ कि लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर आगे एरिया के अंदर जो वैल्यू है वो आ जाए। हाइट कॉमा विड्थ एरिया, एरिया इक्वल्स टू विड्थ सेमी कॉलन। अब हम प्रिंट करवा लेंगे एरिया को। सी आउट। अब हम चाहते हैं कि लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू और आगे जो वैल्यू है वो, एंड नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। F5 सिस्टम पॉज। तो अब स्क्रीन पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या प्रिंट हो गया, 20।